हेलो सो वेलकम बैक टू माई चैनल दिस इज़ पार्ट टू आई आस्क मई कज़न टू ऑर्डर सम एथनिक सो फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने आपको रक्षाबंधन से रिलेटेड दिखाया था एंड उसमें काफ़ी प्यारी चीज़ें थी लाइक like, काफ़ी प्यारे प्यारे आउटफिट्स से एथनिक आउटफिट तो वो वीडियो जरूर देखना आई विल लिंक सम वेयर सो कमिंग टू दिस वीडियो इस वाले वीडियो में थोड़े से कैजुअल एथनिक्स है सो या आई होप यू रियली ग एन्जॉय दिस सो वी गोना रेट जैसे लास्ट वीडियो में किया था आप भी रेड कर सकते हो कॉमेंट सेक्शन में सो so, यस yes. दिस गॉट भी फन एंड अभी ना अट्टीमेट ब्रांड से लाइव है फ्रॉम सिक्सटीन टू ट्वेंटी सो forget टू शॉप क्योंकि आपको अप टू 70% परसेंट ऑफ मिलेगा fashion फैशन एंड ब्यूटी ब्रांड सो या फाइनली वी आर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई नो पूरे मेरे गली वालों को कुछ हो गया कंटिन्यू बोल रहे हैं बट आई एम लविंग माई मेकअप टूडे वैसे मैंने मेकअप पर भी वीडियो बनाई थी तो देख लेना अब स्टार्ट करते हैं फाइनली ओके सो द फर्स्ट वन इज दिस पीच कलर एथनिक कुर्ता सेट मतलब शरारा और कुत्ता का ये सेट है इसमें दुपट्टा नहीं आया है एंड दिस इज फ्रॉम रंग रंग एंड आई रियली लव दिस ग्लिटरी थिंग बट ये ग्लिटर नहीं है ये पूरा थ्रेड है प्रॉपर कलर मुझे ठीक ठाक लगा पता नहीं आप मुझे बताओ कैसा लग रहा है मेरे ऊपर मुझे थोड़ा ठीक ठाक लगा बट अगर मैं मटेरियल की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा मटेरियल है बहुत ही सॉफ्ट है मतलब बॉडी पे बहुत ही सही लग रहा है और कॉटन में है तो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगा पहनने पे एंड इट्स अ डबल लेयर लाइक ये जो सिल्वर थ्रेड है ना ये आपको चुभे ना इसलिए इसमें एक और लाइनिंग दी गई है ताकि बॉडी पर और सॉफ्ट रहे सो इट्स अ कॉटन एंड जो फिट है सब कुछ बहुत ही ज़्यादा प्यारा है कलर में थोड़ा सा ऐसे हूँ बाकी मुझे सारी चीज़ें प्यारी लगी डिटेलिंग इज आल्सो नाइस कमिंग टू दिस शरारा ये काफ़ी ज़्यादा प्रटी लगा लाइक कैन यू सी दिस डिटेलिंग द रफल एट द एंड काफ़ी ज़्यादा सुंदर है एंड घेरा भी काफ़ी अच्छा है तो ओवरऑल जो इनका शरारा है बहुत ही ज़्यादा प्रटी है मेरे पे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था ये शरारा कलर पता नहीं आप बताओ मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है मेरे ऊपर सो या आई एम नॉट श्योर अबाउट द कलर बट रेस्ट ऐसे देखने में और मटेरियल क्वालिटी फैब्रिक फिट सब कुछ बहुत ही बहुत ही ज़्यादा प्यारा है सो या आई विल गिव दिस सेवन आउट ऑफ टेन बस कलर में मैं थोड़ी श्योर नहीं हूँ वो आप मुझे बताना विदाउट दुपट्टा यस सो टू द नेक्स्ट वन इज़ दिस इसका कलर बहुत ज़्यादा सुंदर लगा मुझे एंड जो प्रिंट है वो भी काफ़ी यू नो ओशन ऐसे वाइब दे रहा है सी वाइब दे रहा है जानस्या कलेक्शन और मुझे पता नहीं कि ये ये ऑर्डर ही थ्री एक्सेल हुआ है ये ये गलती से थ्री एक्सेल आया है क्योंकि इट्स अ ओवर साइज फॉर मी ऐसा लग रहा है मैंने नाइटी पहनी हुई है बट <laughs> साइज़ को अगर मैं इग्नोर कर दूँ तो मटेरियल क्वालिटी इज अगेन अमेजिंग इट्स अ कॉटन एंड काफ़ी प्यारा कॉटन मटेरियल है इसका एंड ऐसे देखा जाए तो हाँ ठीक ठाक ही लग रहा है मैंने जीन्स पे पहना है इसको बट अगर मेरे साइज में आता तो मुझे लगता है मैं ज़्यादा इंजॉय करती ये थोड़ा सा लूज है तो मुझे थोड़ा सा मॉम्स की जो नाइटी नहीं होती वैसे वाले वाइब दे रहा कॉटन नाइटी जो होती है वैसे ही वाइब दे रहा था मुझे ओवरऑल आई रियली लव दिस प्रिंट इट्स परफेक्ट फॉर दिस समर और ये अभी जो बारिश का वेदर चल रहा ना बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट फॉर योर कॉलेज डेज टू अगर आप समर के लिए कुर्ता ढूंढ रहे हो और आपको कुछ एकदम हल्का सा लाइट सा चाहिए फॉर दिस ह्यूमिडली सो यू कैन गो फॉर दिस वन यू रियली गोना लव इट लाइक हंड्रेड परसेंट आई एम श्योर यू रियली गोना लव दिस वन सारी स्किन टोन को भी काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करेगा क्योंकि इसका कलर काफ़ी फ्रेश है तो इस वाले वेदर में यू रेली गोना फील सो फ्रेश एंड लाइट आफ्टर वेडिंग इस कुर्ता काफ़ी ब्रिजी है मेरे पे भी अच्छा ही लग रहा था मुझे थोड़ा सा लूज है बस सो आई विल गिव सिक्स आउट ऑफ टेन नहीं ज़्यादा ही कम कमोगे हाँ आई विल गिव एट आउट ऑफ टेन साइज आई डोंट नो कि ब्रांड की तरफ से गलती हुई है हमसे तो या yeah. तो एट आउट ऑफ टेन यस मूविंग टू द नेक्स्ट वन इज दिस पर्पल वन ये मुझे काफ़ी पसंद आया है इसका जो कलर पैटर्न है प्रिंट है काफ़ी ज़्यादा प्यारा है इस इतने छोटे छोटे से जो फ्लावर बने ना इट्स परफेक्ट फॉर दिस यू नो ये वाला वेदर जो है क्या है बारिश वाला वेदर बहुत ही ज्यादा प्यारा लगेगा। विदाउट एनी डाउट आई कैन रिकमेंड यू दिस कुर्ता कॉलर बहुत ही प्यारा सा थ्रेड वर्क है डिटेलिंग इज सी इन सेम द बैंड इज रियली वर्क ऑन दिस मिनी डिटेलिंग ये बटन भी शीशेल वाले टाइप के तो प्यारा है पीछे आपको ये बांधने के लिए भी दिया है सो so, लो हाई वाला कुर्ता है लाइक like आगे से ये लो है एंड पीछे से हाई है ये जो क्रोश लेस है ना ये भी काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है सेम टोन में सो इट लुक सो प्रेटी एंड ऐसा सही में लग रहा है कि काफी अच्छी क्वालिटी एंड काफी महंगा होगा बट इतना महंगा है नहीं दिस कुर्ता इज परफेक्ट इन दिस प्राइज रेंज आई लव इट एंड स्लीव पे भी इन्होंने ये थ्रेड वर्क एड किया है दैट इज सो क्यूट लाइक सही में एंड ये क्रोशिया भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है लाइक like, ओवरऑल इसका जो कुर्ते की वाइब है ना काफ़ी सूदिंग एंड रिलैक्सिंग वाली है आप पहनोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा इट्स परफेक्ट फॉर द कॉलेज अगर आप रोज़ के लिए भी पहनना चाहते हो एवरी डे के लिए लेना चाहते हो तो ले सकते हो इट्स प्रिटी क्यूट दिस कुर्ता इज गिविंग मेजर गर्ली वाइब लाइक सो प्रिटील और मैंने जैसे अभी पर्पल पहन भी रखा है तो so, ये मेरे ऊपर पर्पल कलर भी काफ़ी प्यारा लग रहा था तो So according to this one, I really love this one. The color, the print, the fabric, material quality, the style, everything is top notch. I will give solid 10 out of 10. और ये अगर हल्का सा loose भी होगा तो ये पीछे इन्होंने string दी है बांधने के लिए that is so thoughtful. And इसके साथ tassels भी add किया है तो overall this kurta will give you a major girly vibe. So and I think ये ना आपके tote bag पे भी बहुत cute लगेगा so and I will give this 10 out of 10. 100%. Okay, so moving to the next one is complete कुर्ता सूट सेट लाइक like, कुर्ता पजामा एंड दुपट्टा आया है कमिंग टू द कुर्ता मटेरियल क्वालिटी सो नाइस और ये है स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ में तभी ये ज़्यादा मुझे फ़िटेड हो रहा था लाइक like, एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि फ़िटेड है मुझे कुर्ता थोड़ा सा लूज पसंद है बट ओवरऑल द मटेरियल क्वालिटी इज अगेन टॉप नॉट मैंने यहाँ पे अभी जितने भी कुर्ता दिखाया ना आपको सबकी मटेरियल क्वालिटी सही में सही में अच्छी है परफेक्ट फॉर दिस ह्यूमिड वेदर यू रियली वना थैंक मी यस दिस मटेरियल क्वालिटी सो सॉफ्ट कैन यू सी दिस थ्रेड वर्क बहुत ही ज़्यादा प्यारा है एंड ये वाला जो कलर है वो भी मेरे पे अच्छा लग रहा था सो आई एम श्योर कि दिस फैब्रिक एंड द कलर रियली कॉम्प्लीमेंट्स माई स्किन बट ये है थोड़ा सा फिटेड था ये ओवर इट्स अ लॉन्ग कुर्ता तो अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो ये वाला कमिंग टू दिस पैंट्स प्रिंटेड पैंट्स है काफ़ी परफेक्ट फिट है इसका काफ़ी ज़्यादा सुंदर था ओबियसली एक्सेस मॉल है तो काफ़ी अच्छे से मेरे पे फिट हो रहा था बट कुर्ता थोड़ा सा टाइट था सो या आई विल प्रीफर थोड़ा सा एक साइज़ अगर मैं लूज लूँ तो और अच्छा लगता है मेरे पर थोड़ा सा लूज़ कुर्ता हो तो अच्छा लगता है मुझे पर्सनली पसंद है एंड कमिंग टू दिस सीरेट पैंट्स हैव गुड क्वालिटी फिट एंड मटेरियल क्वालिटी भी काफी अच्छी है एंड ये प्रिंट भी अच्छा है ऐसा नहीं कि धुलने के बाद निकल जाएगा यस yes. <laughs> लाइट मटेरियल है एंड जो टेक्सचर है इस प्रिंट का काफी सूदिंग सा है तो रियली कॉर्नर एंजॉय दिस वन एंड इसके साथ दुपट्टा भी है काफी बड़ा सा अच्छा सा दुपट्टा है जिसके कॉर्नर में ये गोटा पट्टी का जो बॉर्डर ऐड किया है काफी प्यारा लग रहा है सो दुपट्टा एंड दिस कम्पलीट सूट सेट इज सो सुंदर फिट भी काफी अच्छा है लाइक एक्सर स्मॉल आई डू वेयर इन वेस्टर्न बट मैं अगर एथनिक पे आती हूँ तो मुझे थोड़ा सा लूज चाहिए बट ओवरऑल आई रियली लव दिस फैब्रिक क्वालिटी एंड इसमें दुपट्टा भी है तो आई विल गिव उट ऑफ टेन फिटेटिंग क्वालिटी में आई डोंव एनी कम्पलेन सो बहुत ही प्यारा सा फिट है अच्छा so, <laughs> आज से पहले कभी भी एथनिक जम्प सूट नहीं ट्राई किया था दिस इज सो न्यू टू मी सही में और मैं ऐसे कंफ्यूज भी थी कि इसको पहनना कैसे ये है ये कुर्ता है क्या है क्योंकि मैंने देखा ही नहीं था इसको बट इट्स अ जम्प सूट मुझे भी थोड़ा टाइम लगा था फिगर आउट करने में जब मैं इसको पहन रही थी एंड यस yes, अगर आप कुछ यूनिक एंड अलग ट्राई करना चाहते हो यू कैन गो फॉर दिस वन वाला मटेरियल क्वालिटी इज़ नॉट कॉटन बट समर में ये वाला मटेरियल क्वालिटी काफ़ी सॉफ्ट लगता है दिस इज़ फ्रॉम डब्लू जिस पर प्रिंट भी है काफ़ी सुंदर सा फ्लोरल प्रिंट है एंड मैंने कभी इसको ट्राई नहीं किया था सो आई वॉट नॉट श्योर श्योर कि कैसा लगेगा बट ठीक ही ठाक लग रहा था एंड या आई हैव ट्राइड समथिंग न्यू <laughs> इसके लिए मैं खुश हूँ मैंने मतलब अच्छा लग रहा था प्यारा सा लग रहा था एंड आई एम नॉट श्योर कि ये कहीं मैं पहन के जाऊँगी या नहीं जाऊँगी लाइक आई एम नॉट कॉन्फिडेंट राइट नाउ बट आप मुझे बताओ कि कैसा लग रहा है मेरे ऊपर एंड कमिंग टू दिस स्ट्रिंग पार्ट यहाँ पर बांधने के लिए एक्स्ट्रा इन्होंने ये फैब्रिक ऐड किया एम नॉट शोर्ड कि ये क्यों है बट uh, ये है कि जो फ्रंट में ऐसे लाइनिंग आती है ना डंगी पहनने के बाद वो ना है उसके लिए इन्होंने एक अलग से यू नो स्टाइल भी है और लेर भी ऐड किया है सो या इट विल गिव यू और रेपॉन काइंड ऑफ लुक बट ये रेपॉन है नहीं एक्चुअली ये पूरा जम्प सूट है एंड पीछे की साइड से प्लेन है एंड आगे एक लेयर ऐड किया गया काइंड ऑफ सो आई विल गिव दिस सेवन आउट ऑफ टेन क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि मैं इसको बाहर पहनूंगी कि नहीं बट दट द फेब्रिक क्वालिटी द स्टाइल इज रियली यूनिक फॉर मी सो या कलर भी काफ़ी कॉम्प्लीमेंट कर ही रहा था मेरे ऊपर सो आई हैव नो कम्प्लेन विद द कलर एंड एवरी थिंग बट आई एम नॉट श्योर कि एवरी डे में ये कितना ज़्यादा यूजफुल है सो सेवन आउट ऑफ टेन येस सो कमिंग टू दिस वन इट्स अ ब्लैक कुर्ता सो मेरी कज़न ने बताया उसने कुछ और ऑर्डर किया था और आया कुछ और है दिस इज़ फ्राम ग्लोबल देसी एंड जो वो कुर्ता था वो ये था वो और आया मेरे बस ये है एंड आई एम नॉट श्योर कि ये कौन सा अगर मेरे पास ये एग्जैक्ट होगा पीस तो मैं लिंक कर दूंगी क्योंकि ये मुझे अच्छा ही लगे क्योंकि मुझे अच्छा ही लगा है इसके आगे एंड पीछे बैक में ऐसा इन्होंने एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड किया गया है जो थोड़ा सा जैपनीज़ वाइब देता है इफ़ यू रिमेंबर ऐसे कपड़े डाल के ऐसे बांधते नहीं है कि मून कहते उसको क्या कहता है आई एम नॉट श्योर बट ये थोड़ा सा मुझे वैसे ही लग रहा था आगे ऐसे लेयर ऐड करके साइड से चेंग दिया गया है सो इट्स क्यूट कलर भी मुझे ब्लैक कलर पसंद है मेरे पर ये अच्छा ही लग रहा था मेरी कज़न को ख़ुद पसंद नहीं आया ये कि ये क्या आया है बट मुझे ये ठीक ठाक ही लगा सो ओवरऑल द मटेरियल क्वालिटी इज ऑल्सो सॉफ्ट सॉफ्ट सा मटेरियल है एंड काफी कंफर्टेबल भी है स्टाइल भी काफी अलग लगा मुझे इसका सो आई लव दिस वन प्रिंट भी काफ़ी सही है मतलब आई हैव नो कम्प्लेन विद द प्रिंट्स एंड एवरी थिंग एंड स्टाइल भी काफ़ी यूनिक था तो मैंने कहा ओके ट्राई करके देखते नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं दिखाएंगे बट इट लुक्स क्यूट एंड प्यारा लग रहा था मुझे सो आई विल गिव दिस एट आउट ऑफ टेन ओवरऑल लुक के ऊपर एंड जो भी स्टाइल है बट एग्जैक्ट पीस नहीं है डेट इज़ बॉमर सो या बाकी तो मुझे अच्छा लगा लाइक एवरीडे कैजल में भी अच्छा लगेगा आप कॉलेज भी पहन के आराम से इसको जा सकते हो सो ओवरऑल आई रियली इन्जॉय दिस कुर्ता सो या मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एंड आपको आउटफिट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगी सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद अनदर अमेजिंग वीडियो मे बी न्यू मी और समथिंग एल्स नहीं 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 नेक्स्ट वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाला है लाइक आपने बिल्कुल आप बिल्कुल ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करोगे वो वीडियो आएगी एक और चीज़ आई एम गेटिंग ब्रेसेस तो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसे कैप टाइप लगाया है सो कुछ दिनों में आप मुझे ब्रेसेस के साथ भी देखोगे और कुछ दिन तक देखोगे सो so येस yes, ये अपडेट देनी थी एंड अभी कमिंग हॉल बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है सो स्टेट यून एंड डू रेट दिस आउटफ कमेंट्स एक्चन इट वाल बी फन रीडिंग दीज कॉमेंट्स सो या मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एंड आई विलीव दिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स कॉमेंट में भी पिन कर दूंगी सो so बाय